क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपने, हमें प्रथम 15 पदों का योग याद करना है। दसवें के दो पार्ट दे रखे हैं, प्रथम 15 पदों का योग याद करना है। क्या करेंगे सबसे पहले हम, प्रथम 15 पद याद करना है तो सूत्र है एसएन याद करने का, एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल। मैंने बारे में पहले ही बताया था कि अगर यहाँ 15 लाना है तो ये भी 15 लेके आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा पहला पद, अगर मैंने यहाँ एन की जगह एक लिखा तो यहाँ भी एन की जगह एक लिखो, तो ये हो जाएंगे 3 + 4 बराबर हो जाएगा 7। ये मैंने याद कर लिया। अब ये याद करना है, एल मतलब होता है यहाँ पर 15 है, तो मैं भी यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 15। ये होता है 3 × 3 और ये होते हैं 60, तो ये हो जाएंगे आपके 63। मतलब प्रथम पद आ गया 7 और अंतिम पद आ गया है आपके 63। अब ये याद करेंगे, एन एस 15 है ना, तो यहाँ 15 हो जाएगा। प्रथम पद दे रखा है 7 और अंतिम पद दे रखा है आपके 63। ये आएगा आपके 15/2 × दोनों को जोड़ लेंगे दिया आता है 70। यहाँ भाग देंगे जाएगा आपके 35 बार, गुणा करो 15 × 5 होते हैं आपके 75 4 × 7 होता है आपके 52। तो पदों योग आएगा आपके 525। अब ये वाला, इसमें भी अपना एसएन याद करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, एन बटा दो ए प्लस एल, ए मतलब पहला पद और एल मतलब 15 पदों योग याद करना है तो 15वां पद। तो मैंने यहाँ एक लिखा तो यहाँ पीछे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 9 - 5 बराबर होता है आपके 4। अब यहाँ पर मुझे 15वां पद याद करना है तो 9 - 5 × यहाँ 15 जाएगा, 9 का 9 15 × 5 होते हैं 75 में से 9 घटाएंगे तो ये आता है आपके 66। ज़्यादा कौन सा है आपके, माइनस के ज़्यादा है। तो n है s, हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। n जो दे रखा है वो आपके है इसमें पदों का योग, संख्या दे रखी है 15/2। प्रथम पद आया है आपके 4 और अंतिम पद आया है माइनस के 66। 66 में से 4 गए तो यह आया है माइनस के 62। अब यहाँ भाग देंगे इसका दिया जाएगा 31 बार, 15 × 15 असल का 1, 15 × 45 और एक होता है 46 और माइनस के है ये, तो यह आएगा माइनस के 465। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एन पदों का योग मतलब एस एन दे रखा है, ये इतना ये है एन पदों का योग। हमें पहला प्रथम पद का योग याद करना है, दूसरे पद का योग कितना होता है, दूसरा पद कितना होता है, तीसरा पद, 10वां पद और एनवां पद सब याद करने हैं। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ, तो मैं भी यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक। अगर यहाँ पर एक लिखेंगे तो यहाँ भी एक ही लिखना है, 4 × 1 - 1² तो ये होता है आपके 4 × 4 - 1 = 3। एस टू तो मतलब यहाँ मुझे 2 लगाना है, 2 लगाना है, यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, ये होता है 8 और ये होता है आपके 4, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 4, 4 × 8 और ये 4। अब हमें ज्ञात करना है A2, सूत्र है AN ज्ञात करने का, वो है SN - SN - 1। जितना ज्ञात करना है ना वो यहाँ भी लेना है और एक कम इधर लेना है। तो मुझे अगर A2 ज्ञात करना है तो इसका मतलब होता है आपके, A2 का मतलब होता है S2 - S1, मतलब जितना है ना यहाँ पर एक कम लेना है। तो अगर मुझे A2 ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा S2 - S1 बराबर होता है, घटा दो 4 में से 3 गया आपके आ जाएगा कितना, आपके 1 आ जाएगा। और S1 ही होता है A1, प्रथम पद का योग होता ही नहीं, वही रहता है, S1 और A1 एक ही होता है, वो होता है आपकी कितना देर का है, आपके 3 देर का। अब हमें D ज्ञात करना है तो D का सूत्र है ज्ञात करने का, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये मैंने ज्ञात किया है यहाँ पर A2, ये हो गया है हमारा A1। अब हमें D ज्ञात करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद तो हमने ज्ञात किया 1 आया है और पहला पद आया है वो है आपके 3, घटाने पर आता है आपके माइनस का 2 हो गया। हमने ये ज्ञात कर, ये ज्ञात, अब A3 ज्ञात करना है, A3 का मतलब होता है आपके A+2D। A जो है
वो आपके यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है तीन, दो इंटू डी का मान दे रखा है आपके माइनस का दो, तो ये आता है आपके तीन और दो दूनी चार घटा देंगे तो यह आएगा माइनस का एक। दसवां पद याद करना है, सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस नो डी, ए का ए, हाँ ए का मान यहाँ दे रखा है सवाल में यहाँ पर तीन, दो इंटू, अब डी का मान जो आया है आपके वो है माइनस का दो, लेकिन यहाँ पर कितना है, नौ है ना, तीन का तीन नौ दूनी अठारह, अठारह में से तीन गए ये आएंगे पंद्रह, वो भी कौन से पंद्रह आएंगे आपके, माइनस के पंद्रह आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है माइनस के पंद्रह। अब हमें ज्ञात करना है ए एन, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक डी। अब यहाँ पर एन ही पूछा है तो एन नहीं लगाना है हमें, तो ए एन ज्ञात करना है, तो ए का मान तो दे रखा है आपके तीन एन माइनस वन और डी का मान दे रखा है आपके माइनस का दो, एन नहीं लगाना क्योंकि इसने ए एन ही पूछा है, एन वही रखना है। ए एन बराबर हो जाएगा तीन, अब यहाँ माइनस का हो जाएगा दो एन, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा दो, अब यहाँ पर तीन और दो हो गया है पाँच माइनस दो एन, अब ये जो आपके है ना वो हो गया है क्वेश्चन नंबर दस की तरह हो गया, आप चौथ यहाँ पर एक रखो तो पहला पद आएगा, या अगर तीन रखो तो तीसरा पद आएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ तीन रख दिया छः माइनस पाँच हो जाएगा माइनस एक, तो ये एक ए एन आ गया है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देर का है, पूछा है प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से भाज्य हो उनका योग बताना है, उनका योग क्या है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो 6 का भाग जाता है सबसे पहले से कौन सी है 6, फिर कौन सी है 12, फिर कौन सी 18, ऐसे करते करते हम 40 पद ऐसे लिखेंगे, पहला पद हुआ है दूसरा तीसरा ऐसे करते करते, अब 40 पद कौन सा आएगा ये हमें अभी मालूम नहीं, तो ए का मान तो देर का है आपके 6, डी का मान है दूसरा पद माइनस पहला पद वो होता है आपके 6 होगा सेम, क्योंकि 6 का भाग जाने के लिए अंतर भी क्या होना चाहिए, 6 का अंतर ही होना जरूरी है, तो आपके डी का मान भी क्या आएगा 6, और जो एन है वो दे रखे हैं 40, हमें 40 पदों तक योग याद करना है, तो एस एन का फॉर्मूला है आपके याद करने का, एन बटा दो कोष्टक दो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, एन जो आपके दे रखा है वो है 40 बटा दो, ए का मान दे रखा है आपके 6, एन है आपके 40 माइनस एक और डी का मान दे रखा है वो है 6, इसमें इसका भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 20 बार, ये आएगा आपके 12 और 40 में से एक गया आया है 34 इंटू 6, 20 का 20 12 का 12 गुणा गए 26 असल का 2 18 और 2 हो गया आपके 20 20 इंटू ना जोड़ लेंगे 4 और 12 16 होता है ये आ जाएगा 216 जीरो का जीरो 16 का डबल 32 2 का डबल 4 तो उत्तर आएगा आपके 4320 सॉरी एक मिनट यहाँ गलती है 9 लिखना था मैथड रही ये सेम तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 54+5 और 18 और 5 होते हैं आपके 23 और इन दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 46 तो यहाँ आएगा आपके इसका हो जाएगा आपके बुरा 4920 जल जल घटा गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देर का है, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब जिसमें 8 का भाग जाता है स्टार्टिंग की 15 संख्याएं, तो पहली संख्या 8 है बाद में 16 है फिर 24 है ऐसे करते करते सभी संख्याओं का योग याद करना है 15 संख्याओं तक, तो ए का मान आ गया है आपके 8, डी का मान आ गया है दूसरा पद माइनस पहला पद वो हो जाएगा आपके 8 और जो एन है वो हो गए हैं आपके 15, हमें ज्ञात करना है पदों का योग, जो सूत्र है आगे ज्ञात करने का एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल, इससे भी कर सकते हो नहीं तो ऐसे करो इसमें आप लास्ट पद याद करना पड़ेगा नहीं तो दो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, एन है हमारे पास 15 पदों का योग याद करना है, ए का मान है वो है 8, एन का मान है 15 माइनस एक और जो डी का मान दे रखा है वो है 8-8 का अंतर 15 बटा दो ये होता है 8 दूनी 16
15 में से एक गया, 14 × 8 15/2 ये हो गया है 16, और 14 × 8 होता है आपके 112। 15/2 × अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है आपके 128। अब यहाँ भाग देंगे तो भाग जाएगा आपके 64 बार, असल का 6 90 और 6 होता है आपके 96, तो पदों का योग आएगा 907। अगला क्वेश्चन दीर्घ है, 0 और 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले कौन सी है, 1, विषम का मतलब होता है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे 9 करते करते लास्ट में क्या आएगा, 49 आएगा। इसमें ए जो दे रखा है वो है आपके 1, और जो डी दे रखा है वो है आपके दूसरा पद माइनस पहला पद, वो दे रखा है आपके सब में 2-2 का अंतर, और सबसे लास्ट में पद दे रखा है जिसे ए एन के ओ या एल के दो एक ही बात है, वो है 49। हमें ज्ञात करना, सबका योग ज्ञात करना है, इसके अंदर एन दिया हुआ नहीं, बिना एन कैसे ज्ञात करें, एल दिया हुआ है तो एल से कर सकते हैं, लेकिन एन नहीं दिया हुआ, एन ज्ञात करना पड़ेगा। एन करेंगे 5/2 की तरह, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। अंतिम पद है वो दे रखा है 49, प्रथम पद दे रखा है 1, एन करना है ज्ञात, और डी जो दे रखा है वो है आपके 2। वैसे 50 में से आधी संख्या सम होती है, आधी विषम होती है, 25 उत्तर आना चाहिए आपके। ये जो प्लस का है माइनस में, ये गुणा में है तो हो जाएगा भाग में। अब यहाँ पर 49 में से एक गया तो ये आया है 48/2 बराबर एन माइनस 1, इसमें इसका भाग देंगे तो जाएगा 24 बार, इस एक को इधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा इधर, एन का मान आएगा 24 + 1 बराबर होता है आपके 25। ये आ गया आपके एन का मान। अब हमें ज्ञात करना है एस एन, सूत्र हो जाएगा n/2 कोष्टक ए प्लस एल, पदों की संख्या हमने अभी ज्ञात की है 25, प्रथम पद आया है आपके 1, अंतिम पद है इसका 49, 25/2 × इन दोनों जोड़ेंगे जाता है 50, और ये भाग 25 बार आता है, 25 × 25 होता है आपके 625। वैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर पहले भी आया था एस 7/49, वो ये वाला सवाल है, अगर यहाँ 25 है तो यहाँ आएगा 25 का स्क्वायर 625, तो ये आता है केवल एस संख्या हो तो ही होता है, विषम संख्याओं में होता है। सवाल नंबर 15 देर का है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर अगर लेट होते हैं काम, जितना समय दिया गया उस समय के अंदर अंदर ही करना है, अगर एक दिन भी लेट हुए तो 200 रुपये लगेंगे, एक दिन और लेट हुए तो 250 रुपये लगेंगे, और 2 दिन के लगेंगे 450, तीसरे दिन के 300 रुपये और जुड़ जाएंगे, ऐसे करते करते वो टोटल 30 दिन तक रुक गया, उसने काम 30 दिन तक लेट किया, तो हमें 30 दिन तक का कुल जुर्माना ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहला जुर्माना ए वो है 200, जुर्माने में जो वृद्धि है वो है 50 रुपये, सवाल में भी दे रखा है क्वेश्चन में 50 रुपये वृद्धि हो रही है बार बार आगे से आगे, और यहाँ पर जो एन है मतलब 30 दिन तक आपको वो काम लेट रहा, तो हमें ज्ञात करना है कुल जुर्माना कितना, कुल मतलब हमें एस एन ज्ञात करना है। फॉर्मूला हो जाएगा आपके n/2 कोष्टक 2a + n-1 कोष्टक डी, एन है आपके 30/2 कोष्टक, हमें 30 दिनों का योग ज्ञात करना है, 2 का 2 और 1 का मान आया है आपके कितना है, यहाँ दे रखा है 200, एन जो आपके दे रखा है वो है 30 - 1 और डी का मान दे रखा है 50, इसमें इसका भाग देंगे तो जाएगा 15 बार, और ये होता है आपके 400, घटाएंगे तो ये होता है 29 × 50, 15 का 15 ये होता है 400, और 29 का आधा होता है आपके 14.5 मतलब 1450 कह सकते हो, गुणा कर लेना आपस में ही होता है, और फिर आपके 15 का 15 दोनों को जोड़ लेंगे तो 1400 और 400 होते हैं 1850, गुणा कर लो 0 का 0 75 का 7 120 5 27 12 15 12 होता है 27, तो
तो आपको 30 दिन में 27,000 का जुर्माना देना है, 27,000 के ज़्यादा देना है। तो सवाल नंबर 16 देगा आपके, कुल नकद पुरस्कार जो है वो है 7 है, मतलब टोटल आपको 7 जनों को पुरस्कार देना है। कुल इनाम मतलब 7 लड़के हैं जीतने वाले, उसका मतलब एन हो गया है आपके 7। कुल इनाम राशि जैसा अभी क्वेश्चन में था 15 नंबर क्वेश्चन में कि कुल जो आगे जो आपको लगा था जुर्माना, तो यहाँ भी कुल इनाम 700 दे रही। कुल का मतलब होता है एस, एस एन दे रखा है आपके 700, इसे आप यहाँ एन का मान 7 है तो आप लिख सकते हो एक से लगाकर 7 इनाम, एक से लगाकर 7 इनाम का टोटल राशि जो है वो 700 रुपये दे रखा है। अब ये कह रहा है आगे कि हम पहले वाले को और दूसरे, पहले वाले को ज़्यादा इनाम देंगे, दूसरे वाले को क्या देंगे उससे थोड़ा सा 20 रुपये कम देंगे, उसका मतलब आपके डी आ गया कम देंगे, मतलब माइनस में 20। मतलब अगर पहले को अगर आपने 50 दिए तो दूसरे वाले को देंगे 30 रुपये, तो यहाँ आता है आपके दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 20 आएगा, उसको हम 20 रुपये कम देंगे। तो बताना है प्रत्येक पुरस्कार कितना, अगर हम पहला पुरस्कार ज्ञात कर लेते हैं तो अगला वाला क्या आएगा उससे 3 क्या होगा कम होगा, 20 कम होगा, अगला क्या होगा आपके 20 कम हो जाएगा अगर हम एक ज्ञात कर लेते हैं, हमें एक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके एस एन बराबर एन बटा 2, कोष्टक हो जाएगा आपके 2a, फॉर्म लगाओ दिया होता है आपके 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी, पदों का योग मतलब कुल जो इनाम है वो है 700 रुपये का, यहाँ है 7 बटा 2, 2 इंटू 1 याद करना है, और n जो आपके दे रखा है वो है 7 माइनस 1 और d का मान दे रखा है माइनस का 20, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, गुणा है तो भाग में और भाग है तो गुणा में, बराबर आएगा आपके 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 इंटू माइनस का 20, अब यहाँ भाग जाता है आपके 100 बार, 100 इंटू 2 होता है आपके 200 और ये होता है आपके 120 होता है गुणा करने पर, वो भी किसका आएगा माइनस का, इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 200, इधर भेज दो इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 320, गुणा है तो हो जाएगा भाग में, a का मान आएगा 320 बटा 2 बराबर होता है आपके 160, ये आएगा आपके प्रथम पद आगे, मतलब सबसे पहले वाले को जो इनाम दिया है वो 160 रुपये, अब अगले वाला इनाम 20 रुपये कम है 140 और 20 कम कर देंगे 120, फिर आता है 100, फिर आता है 80, फिर आता है 60 और फिर आता है आपके 40, देखो ये होता है आपके 200, ये भी होता है 200, ये भी होता है 200, 600 और ये 100 700 पूरे रुपये हो गए, हमने 700 रुपये को 7 जनों में बांट दिया है, जो पहले वाले में और दूसरे वाले में 20 का अंतर भी है, टोटल इनाम 7 भी है, कुल राशि भी 700 भी है, सब हमने ज्ञात कर लिए इसमें। क्वेश्चन नंबर देगा 17, पहली क्लास से लगाकर 12 क्लास तक टोटल 12 क्लासें हैं, तो एन का मान कितना हो गया है आपके 12, मतलब कुल कितनी क्लासें हैं 12 क्लासें हैं। अब यहाँ कहा गया है कि जो क्लास जितने नंबर की क्लास है, मतलब पहली क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी एक विभाग, अब होता क्या है हर क्लास में 3 विभाग है, मतलब फर्स्ट ए है फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी, बारहवीं ए बारहवीं बी और बारहवीं सी, हर एक के 3 भाग है और हर क्लास से एक लगाएगा, और कितने लगाएगा जैसे ये पहली क्लास है तो एक एक लगाएगी, ये बारहवीं क्लास है तो 12 लगाएगी, ये ए बारहवीं ए लगाएगी 12 पेड़, बारहवीं बी लगाएगी 12 पेड़, ते 12 बारहवीं बी अंदर जो सी क्लास है वो भी लगाएगी 12 पेड़, ये 12 लगाएगी, ये भी 12 और ये भी 12 लगाएगी, अगर तीसरी क्लास है तो ए विभाग भी लगाएगा 3 पेड़, बी भी लगाएगा 3, सी भी लगाएगा 3, तो बताओ पहली क्लास में कितने लगाए 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल लगाए हैं 3 पेड़, क्योंकि फर्स्ट क्लास का ए भाग फर्स्ट का बी भाग और फर्स्ट का सी भाग, इसमें बारहवीं क्लास भी है तो हर भाग बारहवीं में भी 3 भाग है ए बी और सी 3 पार्ट है तो वो लगाएगी 12 प्लस 12 प्लस 12 बराबर होते हैं 36, क्लास कितनी है टोटली आपके 12 क्लासें हैं,
हमें ज्ञात करने हैं कुल कितने पेड़ पौधे लगे। दसवीं क्लास है तो 10 10 10 30 पेड़ लगाएगी। तो सूत्र है एन बटा दो ए प्लस एल। क्लास से हैं 12, पहली क्लास में पेड़ लगाए हैं 3 और 12वीं क्लास में पेड़ लगाए हैं 36। इसमें भाग जाता है आपके 6 बार, 6 × 39, तो ये होते हैं 6 × 54 का 5, 18 और 5 होते हैं आपके 23, 6 × 54 होते हैं। तो कुल पेड़ लगेंगे आपके 234 पेड़ लगाएंगे पूरी क्लास से। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में आएंगे। पूरा कोर्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।